শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়তে গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ ভক্ত বিন্দম শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিতোদি শ্রী নন্দনন্দন বন্দে দয়ম। गोपीजनो समयुक्तं बिन्दावनम मनोहरं वांछाकल्पतरुश के पास सिंधुभवच पतितानं पावने भवष्णविभ्यो नमो नमः मूकं करोति बाचा लंग पंग लंगहैति गिरि यत्कि पातमहं बन्दे परमानन्दमाधव ਬਰਿੰਦਾ ਵਈ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬਈ ਪਿਆ ਵਈ ਕੇਸਵਸ ਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਪਦ ਦੇਵੀ ਸਤਵਤਵੈ ਨਮੋ ਨਮਹ ਨਾਰਾਇਣ ਨਮਸਕਿਤ ਨਰੁਣ ਚੈਵ ਨਰੁਤਮ ਦੇਵਿੰ ਸਮ ਸਰਸਤੀ ਵੈਸੰ ਤਤੋ ਜਯੋ ਮੁਦੀਰ ਸ਼ੰਕੀਰਤਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਥੂ ਉਪਦੇਸ਼

वंदे महापुरश ते चरुणारिंदपल्लविकंदम छटाया विस्फुजित किश पूर्णागर ससागर सारूर्ति साराधिकाई कदा श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादत गदाधर शिवसदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम

हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नमा गंगे तब पाद पंकज सुरासुरैरविथिपम भक्तिंच मुक्तिंच ददासि नीतम भावानुरूपे न सदा नराणाम गंगा तरंग रमणीय जट कलापम गौरी निरंतर विभुषि तवम भागम नारायणो प्रियमनंग मदो उपहारम वरानसिपुरपति भज भी शनाथ वागी सजुस्वनी लक्ष्मीश भक्षस यस हृदय संविध म भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे रसो वैश रस एवि पब्धानंदी भवती रसो वैश रस एवि पब्धानंदी भवती गोष्ठी वोती श्री गौर गौरव भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वामी बहुपाल परमस जगत गुरु जी ने बताए जीवेर नित्य आश्चादो नित्य काल विराजित गुप्त भावे जो मधुर रस ये मधुर रस में अगर उदासीन हो जाए तो जीव मेटेरियल जगत का जड़ जगत का जो मधुर रस इसमें डूब जाएगा अपना कैरेक्टर चरित्र खराब हो जाएगा जीवेर नित्तो जीवेर नित्य अश्राधो जीवे जो स्वरूप में जो मधुर रस है जीवेर नित्य अश्धो स्वरूप का इसमें अगर उदासीन हो जाए तो जीव का ये प्राकृत जगत का जो मधुर रस है इसको गिरा देगा इसका चरित्र खराब हो जाए पोपा जी ने बताए भगवान श्री कृष्ण का साथ पांच किस्म का रस का विनिमय संभव है पांच किस्म का रस शांतो दासो शख्खो बात्सुल्य मधुर ये पांचों किस्म का रस एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का, का साथ ही एक्सचेंज किया जाए नारायण का साथ श्री राम का साथ बड़ा हो निशिंगों का साथ संभव नहीं एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का साथ पांच किस्म का रस एक्सचेंज किया जाए जिसका रस है वो उस रस उसका साथ भगवान के साथ विनिमय करेगा जिसका साथ शक्खु रस है वो शक्ख रस को एक्सचेंज करे और जिसका साथ बासल्य रस है बात्सल्य रस करें दास रस जिसका है वो दास रस करें ऐसा करके वो बात कह रहे हैं परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तन किस लिए बोला जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है श्री कृष्णों का संकीर्तन में सारे के सारे सब कुछ छुपा हुआ है परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तन इसमें इस कोई कमी नहीं है भगवान श्री कृष्णों का साथ पांच किस्म का रस विनिमय किया जा सकता है यो कि किसी और अवतार का साथ संभव नहीं भगवान अवतारी भगवान श्री कृष्णों का साथ पांच किस्म का रस जो जिस रस का भक्त है भावुक है, पुजारी है, वो करेगा यदि अगर यदि अगर भगवान श्री कृष्णों का साथ दसो रस का जो दसो रस का भक्त है वो अगर भगवान श्री कृष्णों का साथ दासो रस का विनिमय करने में उदासीन है तो ये जड़ जगत का प्राकृतोदासो प्राकृत जगत का जो नौकरी चाकरी जो गुलामी है वो जरूर करेगा जो अपराकृत जगत का भगवान का दासो रस का विषय में उदासीन है तो निश्चित परिमाने जड़ जगत का गुलामी करेगा जो सख रस भगवान का साथ जो सख रस जो सख रस भक्त है जो सख रस का भक्त है वो भगवान का साथ शक्ख और रस का विनिमय करते हैं वो शक्खो रस का भक्त है अगर कोई दुनिया में भगवान का साथ शक्ख रस का विनिमय ना करे तो ये जगत का प्राकृत दोस्ती या राना ये दोस्ती में फंस जाएगा इसमें कोई शक नहीं अगर भगवान का साथ जो बासल रस का भक्त है वो अगर भगवान का साथ बातसल्य रस का विनिमय करके आनंद लेना चाहता है तो उस पर ठीक है लेकिन कोई प्राकृत जगर का पिता माता प्राकृत लड़का लड़की का साथ जो मैटरियल अफेक्शन स्नेहों विनिमय करे बासल्य विनिमय करे इसमें भवसागर में डूब जाएगा अगर ये बासल्य भगवान श्री कृष्ण का प्रति अगर होता तो इसमें कोई डूबने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ठीक एग्जैक्टली exactly, जीवों का नित्य अस्वाद मधुर रस में अगर कोई अप्राकृत मधुर रस में अगर उदासीन है तो श्योरली निश्चित परिमाने जगत इस जगत का जो घृणित प्राकृत रस है जो मधुर रस है इसमें डूब के खत्म हो जाएगा ये नियम है भगवान का साथ पांचों पांचों किस्म का रस का विनिमय संभव है इफ यू रिमेन इन डिफरेंस इन मेटेरियल इफ यू रिमेन इन डिफरेंट इन इन एक्सचेंजिंग बात विद कृष्णा सपोज यू आर मादर और फादर यू हैव अफेक्शन फॉर यूर मेटेरियल सॉन एंड चिल इफ यू आर गोइंग टू शो बा फुल्ली फॉर देम एंड यू आर गोइंग टू थ्रो कृष्णा

अपना स्तन में जहर लगाकर आई थी और गोपाल को गोदी में लेकर अपना स्तन पिलाई वो भी विष पिला के मारने का चक्कर में आई थी लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या किया इसको मातृगति दे दिया अहो बोकी यम स्तौन कालकूटम जिघम सया अपाय जद्यपि अषाधि अश जद्या अषाधि ले भे गोतिम उचितम ततो अन्यम कौंग दयालुम शरणम भजन कौंगा दयालुम शरणम भजन जो इतना दयालु है सो मर्सीफुल ओशन दैट पुतना केम टू किल गोपाल बट स्टिल गिविंग द प्लेस ऑफ मादर फॉस्टरिंग मादर तो ये दया है भगवान का भगवान का साथ अगर शांतो दासो बासल्यो अगर इफ यू आर इंडिफरेंट इन द दासो रस ऑफ कृष्ण यू डोंट लाइक टू सर्व कृष्ण विथ सर्विंग टेम्परमेंट यू हैव नोट सर्विंग टेम्परमेंट देन यू विल हैव टू डू सर्विस आउटसाइड यू मस्ट बी ए सर्वेंट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड सम सर्विस होल्डर और डूइंग गिविंग सर्विस टू वन रिच मैन दिस वे तो बात कह रहे हैं दिस वे अगर ये सब अप्राकृत रस में कोई अगर उदासीन हो जाए तो प्राकृत रस इसको लेना ही पड़ेगा एक्सचेंज करना पड़ेगा मधुर रस और जीबो का नित्य आस्वाद दो जीवों का जो स्वरूप है जो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया बताया न आश्लीस अवदिनाश मदर्शना मरमात्म करथा विधवातुलटु मत सए न पर अथवा भूत शुद्धि अथवा भूत शुद्धि प्यूरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ भूत शुद्धि में लिखा है नहाङ विपन नच नरपति नैश नसू्र नह वर्णि न चृपतीर्ण मनस्वधि किन पद्खिल परमान्द पूर्ण मिता गोपी भर्तुर पदकम दास उद यटल आइडेन्टिटी अभिषे म्याक्सिमाम अगर कोही जीव इज गोइङ टु रिमेन इन्डिफरेन्ट इन द मधुरस एक्सचेन्ज उइथ कृष्ण

लेकिन रसो का एड्रेस एक्चुअल एड्रेस ऑफ रसो वी डोंट नो दैट्स वाई वी आर जम्पिंग फायर रसो वैश्य भगवान श्री कृष्णो निश्चित रूप में तमाम रसों का सोर्स है भगवान श्री कृष्णो तमाम रसों का इन्फिनेटी वर्ल्ड में जहाँ जैसा रसो है प्राकृत और अपराकृत जगत कहाँ भी हो भगवान श्री कृष्ण सारे के सारे रस का सोर्स है सारे रस अपराकृत जगत में अप्राकृत रस है प्राकृत जगत में परफर्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ओरिजिनल रस एंड पीपल रनिंग बिहाइंड दिस डिस्टॉर्टेड डार्टी डार्ट रस एंड दे आर डाइंग लेकिन रस है विदाउट रस नो बॉडी लैक्ट बिना रस कोई जीना नहीं चाहता कोई भी जीव रस है तो सब जीना चाहता है रसों के कारण जगत का एक टेम्पोरि जो स्टेबिलिटी है रस के लिए दिस इज द रीजन कौन चाहता है कि बारह घंटा आठ घंटा ड्यूटी का बाद जारनी करके अपना घर में लौटे क्यों बीबी बच्चा है बीबी बच्चा है देर इज नो एक्सटर्नल बाइंडिंग देर इजबैंड गोइंग टू सर्विस आफ्टर दैट वेटिंग ही कैन कम बैक टू होम देर इज नो बाइंडिंग नो चेन बाइंडिंग नथिंग बट इज बाउंड टू अनोन अनोन यू कैन नॉट सी इनविजिबल देर इज सम इनविजिबल बाइंडिंग इज बाउंड टू कम काम वाइफ इज देयर चिल्ड्रन देयर रस इज देर मैजिक स्पेल दैट्स वाई देर गिविंग सो मच एनर्जी इन एवरी थिंग नो रस रस के अलावा जगत का कोई स्टेबिलिटी नहीं है ये कारण है काल हमने बताया था भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जगतवासी हमको ऐश्वर्य ज्ञान लेकर पूजा करें विद द मूड ऑफ ऐश्वर्य जो बाप दे और मी दे डू दिस बट आई डोंट लाइक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम चाहता है कि वो हमको अपना माने हम चाहता है कि वो, वो अप, हमको अपना माने और अकॉर्डिंग टू दैट हमारा सब लव फुल एक्चेंज करें लेकिन ऐश्वर्य शिथिल प्रमेय ऐश्वर्य शिथिल प्रमेय नहीं मोर्पितो ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर्पित ऐश्वर्य ज्ञान जहाँ है वहाँ मेरा आनंद नहीं लगता हम काल ने बताया ये ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन कोरिया जो लोग ऐश्वर्य मार्ग में नारायण विष्णु बराहो आदि ऐश्वर्य मार्ग भजन करें ऐश्वर्य भगवान सुप्रीम लॉर्ड हो देन फाइनली ऐश्वर्य ज्ञानी विधि भजन कोरिया वैकुंठ में जाता है चार किस्म का मुक्ति लेकर साष्टी शाहरुपो सामीपो शालुक्यो ये चार किस्म का मुक्ति क्या है साष्टी शाहरूपो आर सामिप्पो सालुको लेकिन साजुजो भी है लेकिन भक्तो साजुजो लेता नहीं भक्तो साजुजो मुक्ति में इनके घृणा है साजुजो मुक्ति कभी भी लेता नहीं साजुजो मुक्ति कभी भी लेता नहीं क्योंकि साजुजो मुक्ति का मतलब है भगवान का साथ जीवों का अनंत काल का जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप है एक है भगवान भगवान भक्तो भक्ति अर्थात ओरसीपेबल ऑब्जेक्ट भगवान और जो सेवा का जो ऑब्जेक्ट ये भगवान है और भ, भगवान का भक्तो भक्ति भगवान भक्तो भक्ति तीन डिफरेंट जो स्टेज है एक भगवान है और भक्तो है बीच में भक्ति भक्तो भगवान को भक्ति करे नियम है ये तीन जो स्पेसिफिक जो रिलेशनशिप है भगवान भक्तो भक्ति जब साजुज्य मुक्ति लेता है वैन इज गोइंग टू एक्सेप्ट साजुज्य मुक्ति

ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा विधि भजन करके वैकुंठ लोक में लोग चले जाते हैं जिसको साष्टी को चाहता है साष्ठी मुक्ति भगवान का मापिक ऐश्वर्यो भगवान का मापिक ऐश्वर्य लेकर जाता है शाहरुप मतलब भगवान का माफिक देखने में आ मतलब भगवान का भिसिनिटी भगवान का करीब करीब रहेगा भगवान का पास रहेगा स्वामी और सालोक को मतलब एक ही लोक में भगवान जी इस लोक में विराजमान है उसी लोक में पहुंच जाएगा इसका नाम है सालोक को सेम लोक हम बैकुंठ में जाएंगे अवधपुरी अयोध्या ऊपर है वहाँ रहेगा या तो बैकुंड में रहेगा किसी भी चेम्बर में वहाँ रहेगा लेकिन भक्तों साजुजो मुक्ति कभी नहीं मांगता है बहुत डिस्क्रेसफुल हेठ क्योंकि इसमें भक्ति भक्तो भगवान का ये इंटरनल रिलेशनशिप वो ड्रॉप हो जाएगा छी 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 भगवान कह रहे हैं जुगो धर्म हम प्रवर्तन करेंगे आई कैन काम डाउन एंड कैन इंस्टॉल जुगो धर्म क्योंकि सत्व युग में एक युगो धर्म है तेता युग में जुगो धर्म है डिवाइन डिस्पेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जुग स्पेशली इधेर हर युग में शतव युग में एक डिवाइन डिस्पेंशन है एक युगो धर्म है तेता युग में भी है युगो धर्म है मंत्रों भी अलग अलग हैं तेता दापर युग में भी हैं कलयुग में कलि युग में धर्मो नाम संकीर्तन और कुछ नहीं कलियुग में धर्मो केवल नाम संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं मैं अवतरण करके जुगो धर्म प्रवर्तन करके और चार किस्म का भाग भक्ति दासो शक्खो बासुल्ल मधुर चार किस्म का भक्तों लोगों का साथ एक्सचेंज करके उन लोगों को नचा देंगे आनंद का सागर में डुबा देंगे अपनी कोरिमू भाव अंगीकार और मैं स्वयं भक्तों का बेस लेकर অবতীর্ণ হোকে আম শিখায়ে হাউ টু ডু ভক্তি আই ক্যান কম ইন দ ইউনিফর্ম অফ ভক্ত ইন দা গাইজ অফ ভক্ত এন্ড সিস ইস দা দিস আপনি করিমু ভক্ত ভাব আপনি আচারি ভক্তি শিখামু সবারে আপনে না কইলে ধর্ম শিখানো না যায় এই তো সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবত গা আচার্য आचार्यों का आचरण आइडियलिज्म हमारा जिंदगी का प्रेरणा है इंस्पिरेशन है इ आचार्यों का कोई आचरण नहीं है आइडियलिज्म नहीं है तो व्हाट वर आई कैन देख के टेक दिखा व्हाट यूज कोई तो कारण नहीं है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहा है मैं भक्तो भाव लेके जगत में जाऊं और मैंने स्वयं आचरण करके हम दिखाएंगे ऐसे करना है भक्ति ये सिद्धांत तो भागवत गीता सब का एक ही सिद्धांत तो है हमने बताया था काल यदा जदा ही धर्मस्व से ग्लार्भवती भारत अभ्युथानधर्मस्त तदात्म सृजाम्य हम परत्रणा यु साधुना विनाशाच दुष्कृता धर्म संस्थापनाथयु संभवामी युगे युगे जब धर्मो विपत्ति में गिर जाता है जब युगोधर्मों असुरों के द्वारा असुर राक्षस युगोधर्मो जब असुर राक्षस का अत्याचार से मुसीबत में गिर जाता है उस समय जुगो धर्मों को स्थापन एस्टाब्लिश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाइ संभवामी झुगे युगे जब जरूरत पड़े मैं उतर आता हूं फिर इसके बाद ये गीता का श्लोक है फिर गीता का दूसरा श्लोक में बताया देखो उत्सिदेश रे लोका न कुयत कर्म चेद अहम शंकर सचकर्ता सम उपहनियामी इमा इमहा प्रजा यदि अगर हम अपने को यदि अगर हम अपने को आचरण में प्रतिष्ठित ना रखें यदि अगर हम ये तमाम दुनिया का लिए एक आइडियलिज्म ना बने दुनिया को दुनिया का सामने आदर्श का स्थापना ना करें अगर हम सब छोड़ के उदासीन बन के बैठ जाए तो ये जो योग है लोक है ये जो जगत है ये भी उल्टा सीधा करेगा ये जगत अगर हम आचरण ना करें तो ये लोग क्या करेगा ये भी उल्टा रास्ता में जाएगा इसीलिए अर्जुन मैं मेरा कोई कर्तव्य नहीं आई हैव नो ड्यूटी बट स्टिल आई एम डूइंग टू सेट वन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ पब्लिक कॉमन मैन कैन सी मी एंड दे कैन डू एक्चुअली हमारा कोई कर्तव्य नहीं है हम अगर ना करें पूरा दुनिया में अव्यवस्था फैलेगा सोशल सिस्टम एवरीथिंग कैन ड्रॉप एज वी एस वाचिंग एट प्रेजेंट सब गिर जाएगा जज आचरटी श्रेष्ठस्त एवेतरो जनह सजत सजत प्रमाणकृत लोक तद अनुर्तते ये समाज में नियम है जो सबसे बड़ा आदमी है समाज में जिसका सम्मान है इज्जत है समाज का बड़े आदमी जो आचरण करेगा कॉमन पीपल भी वही करेगा इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण प्रहलाद महाराज जी को सिंहासन में बैठाया इसी कारण भगवान दुबो महाराज जी को सिंहासन में बैठा है दुबा मत आई डोंट लाइक टू सीट इन द चेयर नो यू आर टू सीट क्यों अगर इम्पोर्टेंट आदमी बड़े बड़े भक्त हैं जिसका आचरण आइडियलिज्म है वो अगर राजा बन के सिंहासन में बैठे वो तो भक्त है वो जो आचरण करेगा कॉमन पब्लिक देखेगा राजा भक्त है राजा हिमसेल्फ इज अ डिबोटी सो तो ई मस्ट फॉलो नेचुरली प्रचार हो जाएगा भगवान वेरी क्लेवर या अगर देश का राजा अगर देश का राजा धार्मिक है जैसे पिथु महाराज पिथु महाराज साक्षात भगवान का शक्तावेश होता है लेकिन पिथु महाराज भक्तों का मापिक आचरण कर रहा है भक्तों का माप आचरण कर रहे पिथु महाराज युधिष्ठिर महाराज भक्तों का माफी आचरण कर रहे हैं सो कॉमन पीपल वो देखिए ये भी कर रहा है देखो कोई पॉलिटिकल लीडर अच्छा पॉलिटिकल लीडर वो पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो जाए उसका अगर कोई आइडियलिज्म है बट मोस्ट ऑफ द केसेस दे लाइक टू चीट पीपल आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट एट प्रेजेंट वी आर बिजी विथ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट डेमोक्रेसी इट इज ऑटोक्रेसी हम लोग बोलते हैं वी थिंक इट इज डेमोक्रेसी लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं है दिस इज नॉट द स्वरूप ऑफ डेमोक्रेसी दिस इज ऑटोक्रेसी इन फैक्ट डेमोक्रेसी बोल के कोई वर्ड वी नेवर फाउंड इन शास्त्र डेमोक्रेसी इज अ फैक्टर्म दो आई नो पब्लिक कैन अटैक मी बाई हियरिंग दिस बर एक्चुअली रामायण महाभारत उपनिषद वेद वेर यू कैन गो पुरान नो वेर डेमोक्रेसी इज अ फेक्ट्रम कॉम्युनिज्म इज अ फैक्ट्रम ऑल फेक फैक्ट्रम बट वी आर फेक दैट्स वाई वी क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है काल भी हम ये स्टडी ऑल्सो आई टोल्ड मे बी समॉडी कैन ट्राई टू पुट क्वेश्चन मिस ओके डेमोक्रेसी का मतलब है Each and everybody have same right. Yesterday I told how we can expect Bhaktivinoda Thakur has one right and one drunkard, roadside beggar has same right. It's funny. How the voting right of Bhaktivinoda Thakur can be same with the drunkard. Now you give question. Those going to attack me I like to put question. How you see? Not possible. They cannot give answer. It is a fake term. Democracy is a fake term. In Shastra, Rama and Bhava, Mahabharata, Bhagavatam, nowhere you can find this word democracy. Kingship is there. Honest king, devotee king, Pithu Maharaj. Kingship is good. But at present kingship is also, we cannot expect. तमाम दुनिया में अप टू अप टू नाउ हिस्टोरिकल एविडेंस प्री हिस्टोरिकल एविडेंस हैं प्री हिस्टोरिकल एविडेंस आई वांट यू टू से शास्त्र हिस्टोरिकल एविडेंस आफ्टर क्रिएशन बिकॉज दापोर जी में क्या था दापुरजी के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ फिर उसका फिर क्रिएशन, जो भी है तो ये सब फेक टर्म है तो जुगो धर्मो नियम है जो इम्पोर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी लीडर है बिग बिग वो जो करेगा वो जो बोलेगा साधारण आदमी उसको फॉलो करेगा नियम है जग जद आचरित श्रेष्ठ तत्त एवे तरोन स्वयत प्रमाण कुरुते लोक तदनुवर्तते ऐसा नियम है तो भगवान कह रहे हैं कि हम अगर आचरण करके ना देखाए कोई नहीं करेगा चैतन्य महाप्रभु एक इवोल्यूशन लाए चैतन्य महाप्रभु ब्रॉड वन कैन इवोल्यूशन इन सोसाई होल वर्ल्ड नॉट गोइंग टू फाइट विथ क्लब एंड व्हील नॉट बॉम नथिंग ओनली संकीर्तन एंड लव, चेंज इवन जो एजुटेशन जो हुआ था जो एजुटेशन हुआ था बिग एजुटेशन पब्लिक एजुटेशन जब काजी काजी माने मुस्लिम रूलर किंग इज गोइंग टू अपॉइंट इन दिस लोकैलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट काजी जब संकीर्तन बंद कर दिया संकीर्तन बंद टोटल स्टॉप संकीर्तन तो महाप्रभु बोल रहे कौन बोला है, मतलब काजी बोल के गया संकीर्तन टोटली बंद इंबड डूंग फाउंड डूइंग संकीर्तन वी कैन गो वी कैन वी कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बी केयरफुल मृदंग करता नो no प्लेइंग नो no संकीर्तन वन महाप्रभु जब जब महाप्रभु महाप्रभु को पता चला कौन बोला संकीर्तन बंद बोले काजी बोला चल सब इकट्ठा हो जाओ मसाला लेके हैं वन टॉर्च सब जल रहा है सब लेके प्रोसेसन पूरा चैतन्य महापु नित्यानंद अद्वैत तो गुसाए और बिग प्रोसेसन करके काजी का घर में गया काजी देखा इतना हजार हजार आदमी कहाँ जाएगा डर के मारे आउट ऑफ फियर वो इंटर इंटरूम वाह मे बी दे कन डिस्ट्रॉय मी आफ्टर दे चैतन्य महाप्रभु इसके बाद चैतन्य महापु एक जेंटलमैन को बोला काजी को इन्फॉर्म करो जो हम मारने के लिए नहीं आया यू कैन कम एंड डिस्कस विथ मी इज़ माई अंकल आई एम ए नेफ्यू मापो स्पीकिंग टू मुस्लिम यू इज मुस्लिम इज मुस्लिम एंड मापो स्पीकिंग इज माई अंकल मामा मामा मैटरनल अंकल आई कम टू मीट इज गोइंग टू हाइट नॉट गोइंग इन ए हॉस्पिटैलिटी क्या बात है हमने आया है कोई गेस्ट आए तो नियम है घर में बैठाओ कर नहीं रहा। तो काजी आउट ऑफ फियर सर झुका के आया देन महाप्रभु जी ने बता मामा क्या हुआ हमने तुम्हारा घर आया तुम छुप के रहा क्या बात नहीं तुम गुस्से हो क्या आए हो ना? गुस्सा होके नहीं आया गुस्सा होके नहीं आया अच्छा एक एक सवाल पूछू तुमने संकीर्तन क्यों माना कर दिया नहीं नहीं, नहीं संकीर्तन माना नहीं किया तुम खूब संकीर्तन करो क्योंकि काल रात एक तुम एकांत में आओ यू कम इन अ सॉलिटे फिल आई कैन स्पीक समथिंग स्पेशल टू यू नो नो ये जो पब्लिक है सब हमारा है ओपनली बोलो कोई बात नहीं बोले काल रात सपने में निशिंगो देव आया आके मेरा छाती पे बैठ किया बोल के बोला तेरा तेरा चेस्ट छाती को हम फाड़ेंगे मार देंगे हम तोर के मारे कपते रहे और निशिंगो बोला ज़्यादा एक्सेसिव नहीं किया इसलिए छोड़ देता हूँ अगर बाद में ऐसा करें संकीर्तन बंद करें तो तेरों को हम खबर लगाएंगे निशिंगदेव ड्रीम सपने में आए आके काजी का छाती में बैठा अरे बोला तेरे को फाड़ देंगे तो काजी बोले ऐसा सपने में आया तो हम संकीर्तन ओपन कर दिया संकीर्तन खूब करो जाओ हम कुछ नहीं बोलेंगे और काजी का जो सर्वेंट है काजी का जो अपना आदमी है सोल्जर है वो वैष्णव का उधर गया खोल जो है मृदंग उसको तोड़ के वहाँ वह गया संकीर्तन बंद करने देखा आग आ रहा आग फायर आ रहा है उसका मुसलमान लोगों का दाढ़ी है ना नीड़ है बोले सब फायर आ रहा है और दाढ़ी फाड़ी सब जल गया देखो ऐसा संकीर्तन बंद नहीं कर पाया ऐसा तो श्रेष्ठ आदमी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द सोसाइटी जत जत आचरती श्रेष्ठ तत्त एवे तरोन स यत प्रमाण कुरुते लोक तदतु गुरु महाराज जी ने गुरु महाराज जी ने एक एग्जाम्पल दिया गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया वो जो पितृपक् को होता है ना दुर्गा पूजा का पहले जब महालया होता है देवी का आवाहन महालया बोलता है उसको उस समय पित्व पक् उसमें तमाम आदमी तर्पण तर्पण जानते हो पानी में तर्पण करने के लिए आता अपना पूर्व पुरुष पिता पिता महो सब पूर्व पुरुष को पानी तिलांजलि देने के लिए गंगा जाता है गुरु महाराज एक कहानी बताया गुरु महाराज बोला देखो हमने गया था कालना में है हमने गया पानी में नहाने के लिए देखा सारे आदमी मजबूत है सब तर्पण करने के लिए तर्पण है ना पानी में कृष्णायन महा वासुदी सब पानी देता है गंगा में गौरा कृष्णायन गोविंदायन हो और फिर नित्यानंदायन हो ऐसा करके गुरुवर्गो पितृपुरुष सबको गुरु, सब गुरु महाराज बोल रहे हैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सन है बड़ा 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 आदमी कालना का इम्पॉर्टेंट पर्सनलिटी उन्होंने गंगा में नहाने के लिए आया उसका कॉपर कॉपर पोट है ना पोट ऐसा आचमन करने के लिए ये कॉपर का ये जो पूजा में लगता है ना कोशाकुशी इसका कोई अंग्रेजी नहीं होता <laughs> इंग्रेजी ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल नॉट अवेलेबल दे नेवर सॉइट तो ये कोसा कुशी तामा का तामा के एक चामच जैसा होता है ना स्पून का मापी होता है बड़े या छोटे वहां मुझे का मापी ये पम तो ये व्यक्ति ने आया आके गंगा में नहाने के लिए गया वो सोचा कि इतना लोगों का कॉपर पॉट है इतने लोगों का कॉपर पॉट है स्पून है तो मेरा साथ एक्सचेंज हो जाएगा तो एक काम करें मैं टू आइडेंटिफाई माय ओन पॉट एक गंगा का मिट्टी गंगा का मिट्टी है ना गंगा का मिट्टी उठाया उठ के कॉपर पट में रख के गया नहाके आए इसको फेंक देंगे टू आइडेंटिफाई गुरु जी बोल वो नहाने के लिए गंगा में गया नहा के जब नहाने का बाद बाहर आया पर अरे हर पट में थोड़ा मिट्टी रख दिया आदमी हर पट में वो व्यक्ति जो मुखर्जी बाबू ये अपना पट को आइडेंटिफाई करने के लिए मिट्टी रखा और कॉमन पब्लिक सोचा इट इज अ रूल्स टू पुट मार्ड इन स्पॉट तो सब पात्रों में मार्ड रख दिया मुखर्जी बोले मेरा पत्र कहाँ है नाउ आई कैन नॉट आइडेंटिफाई गुरु जी हंस पड़े ऐसा नियम है क्योंकि वह इंपॉर्टेंट पर्सनलिटी उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए पत्रों में माटी रखा कॉमन पीपल सोचा मैं माटी रखना नियम है इट इज अ रूल्स टू पुट सम इन पॉट आफ्टर कमिंग बैक

हम क्या ड्यूटी हम तो सुप्रीम लॉर्ड है भगवान फिर भी हम ऑर्डिनरी फिर भी हम आम आदमी का मापिक हम अपना ड्यूटी को निभाते हैं फर्ज कर्तव्य को निभाते हैं जुगो प्रवर्तन ए बी दैट्स नॉट ए बिग इश्यू दैट कैन बी डन बाय माय आंसा बट प्रैक्टिकली आई मेजल कमी जुगो धर्म प्रवर्तन दैट कैन बी डन बाय माय आंसर जुगोधर्म प्रवर्तन होश होते फॉर दैट सिंपल रीजन आई नीड नॉट कम इज वेरी चीप रीजन आई लेकिन एक सीक्रेट रीजन है युगोधर्म प्रवर्तन दैट कैन बी डन बाय अंश लेकिन युगोधर्म प्रवर्तन के लिए मेरा आना जरूरी है नहीं लेकिन मैं आता हूँ इसलिए कि, कि मेरे इलावा कोई ब्रजोप्रेम दे नहीं सकता आमा भी ना ओनने नारे ब्रजोप्रेम दी थी निशिंगदेव कैन नॉट एंड गिव कृष्ण प्रेम मैंने निशिंगुदेव कैन नॉट कम एनगीव ब्रजो प्रेम व्हाट इज अवेलेबल इन सैट नारायण कैन नॉट गिव राम कैन नो बॉडी भगवान कह रहे हैं कि ब्रजोप्रेम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि देखो ब्रजो प्रेम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को ही जाना पड़ेगा कोई आए तो होगा नहीं आई मैसल मत को क्योंकि ब्रज प्रेम कोई नारायण विष्णु कृष्णो राम कोई नहीं दे सकेगा एकमात्र हम जाए तो दे सकेगा जुगोधर्म प्रवर्तन होते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम देते संतु अवतारहा संतु अवतारा बहव हैं पंचजन पंचजनाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णाद अन्न को बा लतासु ऊपी प्रेमोदो भवती बिल्लमंगल लघु भागवतम ऋतो इन लोग बिहार भागवतम ऋतो सनातन गोस्वामी ने लिखा है आ लघु भगवतम ऋतु सनातन गोस्वामी बृहद भगवत ऋतु का आ गोस्वामी लघु भागवतम ऋतु सोनातन गोस्वामी लिखा है बृहद भागवत ऋतु और रुभु गोस्वामी बात लघु भगवत लघु भगवतम ऋतु लिखा है मैंने फूल भागवत बृहद भगवत जिस्ट लघु भगवतम ऋतु का एक श्लोक में लघु भातो लघु भागवता का एक श्लोक में सिलो रुपयी पद ठाकुर का एक बात को कोटेशन दिया बिल्लमंगल ठाकुर का एक कोटेशन है उसको उठा के दिया बिल्लमंगल ठाकुर जी ने लिखा था इसको रूप पद उस श्लोक को उठाकर कोट कर दिया अपना लोगो भागवता भाग मृत है सन्तु अवतारा बहुबहो देर इज काउंटलेस अवतार सन्तु अवतारा बहुबहो है पंचोजनाभश्य अर्थात पद्मनाभ पंच बताया पंकजनाभश्य पंकजनाभश्य मैनेंकजन हो जार नाभी लाइक पद्म पंकजनाभ नेवल पुरुषन लुक्स लाइक पद्म सो संतु अवतारा बहवो पंकजनाभश्यो पंकज नाभो भगवान का बहुत अवतार है सर्वतो भद्रा सब मंगलमय अवतार लेकिन कृष्णाद अन्नो एक्सेप्ट कृष्णो हु कैन गिव प्रेमा टू क्रीपर्स ऑल द क्रीपर्स कृष्ण कैन टच एंड गिव देम प्रेमा

संतु अवतारा बहबहु पंकजनाभशो सर्वतो भद्रः कृष्णाद अन्न कोबा लतासु ओपी प्रेमोदो भवति भवती कौन प्रेम देगा इसीलिए भगवान कृष्ण ने तैर कर लिया हम जगत में अवतीर्ण होंगे ओके युगोधर्म प्रवर्तन कर देंगे एक्चुअली युगोधर्म प्रवर्तन बी केयरफुल सिद्धांत हो जुगोधर्म प्रवर्तन और न्यू संप्रदाय स्टार्टिंग न्यू संप्रदाय स्टार्ट करना टू स्टार्ट ए न्यू संप्रदाय और युग धर्म संप्रदाय वन न्यू संप्रदाय कैन बी स्टार्टेड बाय ए डिवोटी, भगवान इड नॉट कम इट्स वेरी स्मॉल इश्यू लाइक रामानुजाचार्य हो माताचार्य विष्णु स्वामी हैं निम्बार्काचार्य ऑल देखे संप्रदाय दे न्यू संप्रदाय अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन भगवान भगवान का भगवान का आदेश का अनुसार नया संप्रदाय खोल के दिखाया एक श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय एक माधो संप्रदाय हैं निम्बार के संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय सब संप्रदाय का आचार जो है श्री संप्रदाय का मूल आचार्य जो है लक्ष्मी देवी श्री माधु संप्रदाय का आचार्य का नाम है ब्रह्मा और जद भी जो वायु अवतार हनुमान जी का अवतार पवन देव का अवतार जो भी है और को संप्रदाय का चतुष और और एक है ये सारे जो है आचार्य जो हैं लोगों का सारे अवतीर्ण होके आचार्य जो ये धीरे धीरे उसका ओरिजिनल लिंक है ऐसे तो संप्रदाय प्रवर्तन करने के लिए या तो युग धर्मो युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए भगवान को आना जरूरी है नहीं इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट द भगवान कैन काम तो भगवान सोचा कि हम जब अभी जो राइट टाइम एग्जैक्ट टाइम भगवान श्री कृष्ण अंत्योधन किया भगवान श्री कृष्ण अंत्योद्धन किया ऑलमोस्ट दापोर युग का एन भगवान श्री कृष्ण अपियर्ड ऑलमोस्ट एन पॉइंट ऑफ दापोर तो भगवान अवतीर्ण होकर दापोर युग में लीला करके भगवान अंत्योधन किया डिसपियर्ड आफ्टर दैट डिसअपियरेंस होने के बाद शिव भगवान ने सोच विचार लगाया मैं गौरांग रूप धारण करके कोली का प्रारंभ है कली का कली का बिगिनिंग में अवतीर्ण होके ब्रजोप्रेम वितरण करेंगे ब्रजोप्रेम प्रेम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताहते आप भक्तगण को संगे हमारा इंटरनल जो पार्षद हैं सब लोगों को लेके हम जगत में जाएंगे इस धरती पर उतारेंगे पृथ्वी से अबतरी कोरिमु नाना रंगे हम अपना भक्तों लोगों का साथ बड़ा मजा करेंगे ताहते अपन भक्तगण को संगे पृथ्वी से अबतोरी कोरिमु नाना रंगे नाना अलग अलग सा आनंद उपभोग करेंगे एतो तो भाभी विद दिस आइडिया प्लानिंग एतो तो भाभी प्रथम संध्या कलिकाल का जस्ट स्टार्टिंग का आयु फोर लैक्स थर्टी टू थाउजेंड इयर्स दिस इज का स्टार्टिंग जस्ट जस्ट बी तो भगवान करे, भगवान विद दिस प्लान एतो भावी कलिकाले प्रथम सन्ध्याय अवतीर्ण हो कृष्ण अपनी नदिया दिया कृष्ण भगवान स्वयं नवद्वीप धाम में गौरांग रूप धारण करे अवतीर्ण भाई চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার চৈতন্য সিংহ এতনা বল চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার সিংহ গ্রীব সিংহ গ্রীব সিংহ বৃজ সিংহের হুঙ্কার সংকীর্তন করতে করতে হুম সংকীর্তন করতে দি চিৎকার মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ বল ऐसा ही चैतन्य सिंहर नवद्वीप अवतार सिंह ग्रीबो ग्रीब मानी सिंह ग्रीबो सिंह बीर्ज सिंह हूंकार कृष्णदास को विराज गोस्वामी कह रहे हैं वही सिंह दैट सिंह गौरांग से ही सिंह बसु जीवे हृदय कंदरे से ही गौरांग सिंह हर कोई का हृदय में आके बैठ जाए कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं जे ये जो सिंह है गौरांग सिंह हो हर कोई के हृदय में जाके बैठ जाए अंदर सही सिंह वो जीवेर हृदय इनसाइड इन साइड ऑफ ऑल जीवा आई प्रे दैट लायन कैन कम एंड सीट इन साइड दैट इज वन कैन ए प्रेयर और मार्सी एजू से সেই সিংহ বসু সেই সিংহ বসুখ জীবের হৃদয় কন্দরে আর কলমস দ্বীদ না সেই যাহার হুঙ্ ভাই স্পিকিং হরে কৃষ্ণ বাই দি হিয়ারিং দি সাউন্ড অল অনর্থ এভ্রিথিং অ ডিথিং ফ্রম হার্ট ক্যান গো আর সিংহ গ্রীব সিংহবি সিংহ গল से सिन्दु जीवर हृदय कंदरे और कलम सोदना से जो गौरांगो सिंह गौरांग अवतार जब हरे कृष्ण संकीर्तन करता है ये संकीर्तन का आवाज बद्ध जीव सुन के चैतन्य महाप्रभु का साउंड हरे कृष्ण सुन के सारे जीव का हृदय का जितना सारे अनर्थ है थिंग है ऑल क्लियर हो जाते कलम सदरोध नसे जहार हुंकार प्रथम लीलाय तार विश्व नाम एक गौरांगो उर्थार महाप्रभु का बचपन में पहला नाम है पहले निमाय पहले छोटे से निमाय उसके बाद इसका नाम दिया गया एट द टाइम ऑफ इनो दिस पैता और हैं इसका समय इसका नाम दिया गया ब्राह्मण वैष्णव जो आया था फॉर दिस रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट इनिशिएशन गायत्री इनिशिएशन उस समय सारे पंडित ब्राह्मणों ने बोला इसका नाम ऑटोमेटिकली नो बॉडी टीचिंग दैम हाउ दे डोंट नो दे वाचिंग द बॉय आर दस दिन बीसम्बर विशंबर दीम इज वेरी फिटिंग फॉर दिस बॉय ऑटोमेटिकली स्पीक दे आर नॉट सर्चिंग बुक एनीथिंग द सेन्थ इज अ सिंटम ऑफ दिस बॉय इसका नाम विश्वंबर वो तो अच्छा है दिस नेम इज फिटिंग विश्वम्बर मीन हुई इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इन्फिनेटी वर्ल्ड दिस नेम इज विशंबर टू कोइंसिडेंटली दे आर प्लानिंग दे आर डिसीशन एवरीथिंग मैचिंग

गोपी जो 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 नवदीप नवदीप वास सीनियर माताजीज़ वेरी सीनियर जैसे निमाय निमायम इज गो सचिमा शचिमा कह रहे माय माई सॉन माय नेम इज निमाय ओके निमाय यू कैन कॉल निमाय बट वी कैन कॉल विभर मोर प्रैक्टिकल निमाय वाई नेम निम तो थिंकिंग Many son and daughter all gone from this world. They are not living. Only taking bath and going. Taking birth and going. So better I can keep such a name so that Jamaraja can feel bitter. Cannot take the boy. <laughs> Every time all my son and daughter taking bath and going. Taking bath and going. Oh my God. Ultimately they are worshipping Narayan, Salgam Sila, Damodar,

पंडित फर्स्ट नाम इन क्लेचर नॉट जेन्यू सर आफ्टर जेन्यूस्कर आफ्टर तो ये जो है ये लोग बोला विश्वम्बर नाम इसका नाम है विश्वम्बर है प्रथम लीलाए तार नाम पहला लीला जो है स्टार्टिंग में नवदीप धामेश का नाम है भक्ति रो से भरिलो धरिलो भूग्राम इज अ सपोर्ट ऑफ इन्फिनिटी वर्ल्ड प्राकृत अप्राकृत विश्वम्भर विश्व विश्व मीन कॉस्मिक वर्ल्ड इन्फिनिटी भर मीन सपोर्ट विश्व भर मीन विश्व इन्फिनिटी कस्मिक वर्ल्ड और अप्राकृत अप्राकृत बहुत इसका सपोर्ट है ये तो विश्वम्बर नेम प्रथम प्रथम ले तार विश्वम्बर नाम भक्तिरसे धरिलो भरिलो धरिलो भूग्राम भू भ्रिंग धातुर अर्थ पोषण धारण भू भ्रिंग धातुर अर्थ पोषण आ धारण जो हम अंग्रेजी में अभी बताया पृथ्वी मैंने सृष्टि को धोरी लो धारण किया पोषण किया प्रेम देकर प्रेम देकर जस्ट नाउ इन स्टार्टिंग आई टोल्ड विदाउट रसा विदाउट प्रेमा नो नो स्टैप सो पृथ्वी धोरी लो प्रेम दिया त्रिभुवन इसलिए इसका नाम विश्वभर शेष लीला अंतिम लीला पहला नाम है निमाय विश्वम्बर गौरांगो ओके गौरांगो लेकिन शेष लीला एंड अंतिम लीला संन्यास लेने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य संन्यास लेने के बाद इसका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य नाम इन्होंने लिया किसी ने दिया नहीं यहाँ तक कि सन्यास का मंत्र जो है सन्यास लेने का समय में केशव भारती को केशव भारती का सामने साधारण आदमी आम आदमी जानता है कि जा केशव भारती के सामने महाप्रभु सन्यास लिया लेकिन केशव भारती का पहुंचा सन्यास लेने का समय महाप्रभु केशव भारती का केशव भारती का कारणों का में बोलता है

होल वर्ल्ड नोंग केशव भारती गिभी तो महाप्रभु मैं महाप्रभु गिविंग बड़ी नो इज लीला तो श्रीकृष्ण चैतन्य नाम दिस अल्सो महाप्रभु दी इज नट सिलेक्टेड बेशव भारती तो श्रीकृष्ण चैतन्य इज द नेम अल्टिमेट शेष लीलाए धरे नाम श्रीकृष्ण चैतन्य

শেষ লীলায় ধরে নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ জানায় সব বিশ্ব ধন্য হি ওয়ান্টেড টু এক্সপ্লেন ওয়া হুইস কৃষ্ণ ডোন্ট মিস আন্ডারস্ট্যান্ড কৃষ্ণ সংকীর্তন ফেরকে হুল বিশ্বকু পুরা বিশ্বকু উদ্ধারকে শ্রীকৃষ্ণ জানায় কইলধন। তার যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয় গর্গমণি

कुल ऑफ ब्राह्मण आई एम डूइंग जग बाई चांस इफ दे फाइन सम क्लू आई केम दे दे सस्पेक्ट तो मुनि कह रहे हैं कि मेरा साथ जादवगनों का जादव जादव कुल का मेरा साथ लिंक है अगर हम तुम तुम्हारा इधर नामकरण नाम, करन, नाम सिलेक्शन करने बैठू अर्चना दी तो कौन सो अगर इन्फॉर्मे कंक्षों को कंक्षों को अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमने तुम्हारा लड़का को नाम दिया यू कैन एक्सप्रेस सम डाउट सो बेटर नो 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 कैन नो यू कैन कम सीक्रेट प्लेस इनसाइड गौशाला गौशाला का अंदर ले जाएंगे कोई नहीं आएगा सिर्फ हम रहेंगे दो बाल बच्चा रहेंगे कृष्ण बलराम मी यशोदा नो बडी रोहिणी मैक्सिमम नो बड़ी नो आउटसाइडर आई प्रॉमिस तो गौरगोनी ओके नुदी 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 नुदी। तो जब नामकरण किया इसका नाम किस्णो इसका नाम बलराम वाई वाई इसका कारण है आसनो वर्णस्त्रु ही असो गृहअुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीठ इधनी कृष्णता ग देखो क्या बताए गौरव मुनि कैन सी पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर एवरीथिंग गौरगोमुनि स्पीकिंग आपका जो लड़का है ये जो बच्चा कृष्ण इसका नाम है कृष्ण क्योंकि आश्चर्य की बात है ये पहले पहले युगों में कभी इसका बॉडी कम्पलिसन वाइट था कभी रक्त तो वर्ण ए पीतो वर्ण बाई चांस नाउ दिस टाइम ब्लैक इज कृष्ण वर्ण इसका नाम है कृष्ण गौर्गमुनि कैन सी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गौर्गमुनि फोरकास्टिंग आसनो आसनो मने ही ऑलरेडी हैविंग दिस काइंड ऑफ बॉडी कलर एंड सिंड्रोम, दिस सन दिस दिसन योर सॉन एक टाइम टू टाइम इज कम। आसनो वर्ण स्त्रो ही अश्यो घृण तो अनुजुगम तनुहु शुक, शुक्लो तथा पीतो इधानी कृष्णताम गा एट प्रेजेंट कृष्ण ब्लैक कलर सो so बेटा आई कैन द नेम कृष्ण एंड बलोराम का बारे में इसका नाम बोले जो बलोराम बोल इसका नाम बलोराम बोलहाओ बोले बला अधिकात बलम बिदु इज वेरी पावरफुल बल बलाधिकत बला बलम विदु इसका नाम बलराम रखेंगे बलराम तो ये नाम दिया इसका नाम प्रेजेंट कृष्ण बस स्टील बल मुनि ने लीला किया इसका नाम कृष्ण बलराम कृष्णदास को विदास गोस्वामी श्रीमद भागवत जी महापुराण का ये श्लोक उठा कर दिया डॉक्यूमेंट्री आसनो वर्ण ही अश्यो गृह अनुयुग অনুযুগম তনু শুক্ল রক্ত তথা ইদানিম কৃষ্ণতাম কৃষ্ণতাংা ভাগবৎসে শ্লোক উঠাকার প্রমাণ দিয়া কৃষ্ণদাস কবিরা গোস্বামী শুক্ল রক্ত পীত বর্ণ এই তিনদ্যুতি তেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ইদানিং দাপরকাল ইদানিং দাপরে তিঁহ হইল কৃষ্ণবর্ণ এইসব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম भले तुम्हारा ये जो लड़का है शतव युग में शतो युग में शुक्ल वर्ण पकड़ कर आता है तेता युग में रक्त वर्ण पकड़ कर आता है और तेता युग में दापर युग में ये आता है और कलिकाल में पीतो वर्ण पकड़ कर आता है और इसी दापर युग में जब हम नाम नामकरण कर इस समय एक काला बन के आया है इसलिए इसका नाम कृष्ण रखें ब्लैक इन कालर सो कृष्ण इसका नाम ठीक है कृष्ण मतलब कृष्णो ये शब्दों के लिटरल मीनिंग ब्लैक है और फिर संस्कृत में और शास्त्रों का विचार का अनुसार क्री प्लस कृष्ण क्री माने हैं प्रेम देके किसी भी आलस से आकर्षण करके लेता है कृष्ण न मैंने आकर्षण करके लेता है कृष्ण आकर्षण करके बुला लेता है सो so, शुक्लो रक्तो पीतवर्ण यही तीन दुति सत्य तेता कोलिकाले धरण श्रीपति यही भगवान सत्य युग में व्हाइट कलर तेता युग में रक्त रेडिश काला दापोर युग में पीतवर्ण 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 दुति और वर्तमान ये जो दापर युग है नामकरण का टाइम में जब नाम कर रहा था बोले अभी ये दापर युग में तुम्हारा जो लड़का कृष्ण पैदा हुआ है ये कृष्ण वर्ण इदानिंग दापोर होतीहो होइला कृष्ण वर्ण यही सब शास्त्रागो म पुराणे तमाम पुराण भागवत कई भी शास्त्रों में जाओ पुराण आदि तमाम विचार करके यहाँ वेदों में भी है वेदों में भी कृष्ण भगवान का आविर्भाव गौरांगों का आविर्भाव का बारे में वेदों में भी है वेद उपनिषद हर जगह प्रमाण, उपनिषद में है रुख हैं महाभारत में है महाभारत में भी है सुवर्ण वर्ण हेमांगो चंदनांगदी इत्यादि प्रमाण है और कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संघ ये कलिकल भागवत <coughs> का प्रमाण सुपोरे दापोर भगवान श्याम भागवत जी महापुराण में प्रमाण है कहाँ भगवत जी महापुराण में प्रमाण है कहाँ इलेवेंथ कैंटों में जब नवयुगेंद्र नाम सुना है হ্যাঁ নবযোগেন্দ্রযোগ নাম শুনো নেই ও নবযোগ করভাজন সব নবযোগ হবীর হবীর অন্তরিক্ষ পিপ্লায়ন নবযোগ্র নাইন সন অফ রিসভ দে দে সিদ্ধ মহাত্মা গোই অপ অ্যান্ড ডাউন এনি ফ্রি অফ এনি পাসপোর্ট দে এনি ये नवजुगंद्र को प्रश्न किया था निमी महाराज निमी महाराज निमी महा वैन नवजुगिंद केम वैन निमी महाराज किंग अच्छा कोली काल आ, हर युगों का कैसा कैसा सिंटम है हर युगों में तीता धापर कोली में जो अवतीर्ण होता है ये क्या सिंटम है क्या क्या ये सिंटम के बारे में बताया भागवते दापरे भगवान श्याम पीतबासा पीत बासा युद्धा। महाराज पूछा पूछा हर एक एक युग में निमि महाराज जी ने पूछा कौर भजन जी आए निमी महाराज पूछा नवयुगेंद्र को अच्छा ये महाराज ये बताओ कि एक एक युग में सत्य युग में तेता युग में दापर युग में कुल कैसा कैसा करके सिम्टम क्या है हाउ वी कैन रियलाइज भगवान का क्या जैसे रहा है दापरे भगवान बासा निजायुध निजायुध पीतबा सा पीतवर गोल्डन कलर क्लोथ दापरे भगवान श्या बॉडी कम श्याम बरन ब्लैक दापरे भगवान श्याम पीतोबा सा निजायुध शिवस्यादि शिवस्यादि भीक लक्षण रूपलक्षिता दापोरे दापोर काल में कैसे समझेंगे ये अवतार हैं साक्षात ये भगवान कृष्णो इसके श्याम्बरण है पीतोबास है अस्त है शिवस्व शिवस्व, शिवस्व चिन्ह है सिंटम ए शिव श्यादि भी अंकुश लक्षण रूपलक्षिता डिफरेंट डिफरेंट लक्षण है कलि युगे युगोधर्मो नामेर प्रचार कलि युगे जुगोधर्मो नामेर प्रचार तो लागी कलि में जुगोधर्मो नाम प्रचार ये नाम प्रचार के लिए इच्छा करके पीतवर्णो चैतन्य अवतार पीतवर्णो पीत गोल्डन कलर चैतन्य आए हैं नाम प्रचार करने के लिए आत्प्त तो हेम सम्ति गोल्ड एन मॉल्ट एन गोल्ड सोने को जब गोल्ड आग में देकर जलाया जाए देखियो यह क्या नॉट ओनली गोल्डन कलर नॉट ओनली गोल्डन बोले गोल्ड को जब आग में इंसाइड फायर दो वेन वन पीस ऑफ गोल्ड इज इजूट इन इनसाइड फायर देन ब्राइटनेस कमिंग That प्त तो हेम हैं राधा रानी के बारे में तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन तो कांचन मैंने नॉट गोल्ड एन कलर गोल्ड को आग में देके जलाओ उस समय gold का जो brightness है वे राधा रानी का गौरांगों का सेम समा yeah. so बताया गया तप्त तो हेम समकांति प्रकांड शरीर गौरांग लॉन् तप्त तो हेम समकांति प्रकांड शरीर एंड नवमेघ जिनी कंठो ध्वनि से गंभीर एंड भगवान का जो साउंड कंठसर वॉइस इट्स लाइक लाइक व्हेन टू क्लाउड घुम घुम व्हेन क्लाउड कमिंग एंड फ्रिक्शन घुम सो नवमेघ जीनी कंठधधनिश गम्भीर दीर्घ विस्तारे अपन हाथी चार हाथ चार हाथ हो महापुरुष विख्यात दीर्घ विस्तारे जे अपनारा लम्बा महापुरुष सिंटम अफ वन महापुरुष इज दैट अकॉर्डिंग टू दाइज अब हैंड फोर फोर हैंड लम्बा अजानुलम्बित तो भुज चारिहस्त है महापुरुष विख्यात नेग्रोध परिमंडल है तार नाम मतलब अजानुलम्बित तो भुज नेग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य गुणधाम चैतन्य गुणधाम वेरी टॉल एंड हैंड एंड एवरीथिंग क्रॉसिंग द नी अजानुल्बित भुज माधव गोमा जस् क्रॉसिंग द लिमिट महापुरुष

যে ফোর হ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু সাইজ অফ ওন হ্যান্ড ফোর হ্যান্ড ন্যাগ্রোধ পরিমণ্ডল হয় তার নাম ন্যাগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু চৈতন্য কোনো আর আজানুলম্বিত হুজো লোচন। কমল লোচন আজানু হ্যাঁ ভেরি হট ব্রাইট গোল্ডেন কালার হ্যাঁ গোল্ড সুবর্ণ সোনে जब ब्राइट होता है जो जलाने के समय में और उज्जवल होता है आज अनुल्बित हुई जो कमलोचन और नासिका दिस नोज नोज इज सो शॉफ्ट सो नाइस नोज़ हलो तिल फूल जिनी नासा दिस नोज इज वेरी ब्राइट एंड वेरी सेफ वेरी नाइस तिल फूल लिंस सेट

শান্তাসো কৃষ্ণ ভক্তি নিষ্ঠা পারায়ন সুশীল সার্বভূত সমো পেহলে জব আয়াথা গৌরাংম গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অ্যাপিড ফাষ্ট ফর লং টাইম লম্বা সময় তক ক্যা কিয়া শান্ত দাসো কৃষ্ণ ভক্তি নিষ্ঠা পারায়ন बहु शांतो मीन कोई मेटेरियल डिजाइन नहीं है इसका नाम है शांतो और दांतो दासो नहीं शांतो दांतो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है लेकिन ये शांतो दांतो लिखा है गौरंग मापो के बारे में शांतो पीसफुल ए दांतो मीन इंद्रियो ऑल संयम कंट्रोल सेंस ऑर्गन शांतोमिन, मेटरियली नॉट चंचल एंड दांतमिन ऑल तो सेंसर अंडर कंट्रोल आर कृष्ण भक्ति निष्ठा निष्ठापरायण कृष्ण भक्ति का बारे में निष्ठा निष्ठापरायण और भक्तवत्सौल सुशील सर्वभूत शु भक्तभत्सौल भगवान यद्यपि भगवान हैं लेकिन अपने को भक्त रूप में परिचय दिया

सो so, हमने क्या से क्या श्लोक दे के शुरुआत किया था रसो वैश रसो एवि अयम लब्धानंदी भवती ये श्लोक दे के शुरुआत किया वाँ छ कलपत्र शिक्षा सिंध भविष्य पति पावन वैष्णव